देख लेना मेरा फेस पूरा आ रहा है कि नहीं, तो हिला दूंगा। पंडित जी रिकॉर्डिंग करते रहना, चीज तो लगा कैसे पंडित जी, एक बार ये और बता दो ना, सारे दीप और सारे समुद्र पश्चिम में कैसे बढ़ गए? दीप और समुद्र पूरा पश्चिम में कैसे बढ़ गए? दीप समुद्र गोल है, पूरा पश्चिम का है, पूर्व भी है पश्चिम भी है। अच्छा विदेह का पूछ रहे हो, दीप समुद्र थोड़ी है विदेह से, तो सारे ही तो पूरा पश्चिम में बढ़ गए, फिर जम्मू द्वीप को छोड़ के बाकी सब चूड़ी के आकार पूरा पश्चिम। ये चौकी देखिए आपने, हाँ जी, ये स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर का मतलब एक राजू की ऐसी, एक राजू की ऐसी, बीचों बीच में समुद्र पर्वत, उसके चारों तरफ पहला जम्मू द्वीप है, तो गोल है, तो गोल पूरा पश्चिम में काम हो गया, गोल तो चीज चारों तरफ हुई, पूर्व में दे पश्चिम में दे, मैं बता रहा हूँ जम्मू द्वीप के चारों तरफ पहला क्या होगा जम्मू, फिर लवण समूह चारों तरफ, ऐसे करके गोल गोल संरचना है, एक से दूसरी डबल फिर डबल फिर डबल, एंड में जाकर गोला कैसे बनेगा, इस पे ऐसा बनेगा, कोने पे जो हिस्सा छूट गया उसे हमने बोला चतुष्कोण भूमि, और जो लास्ट में जो आया अपना समुद्र उसका नाम है स्वयं घूर्मण समुद्र, उससे पहले जो द्वीप है उसका नाम है स्वयं घूर्मण द्वीप, ऐसे करके आगे से देखेंगे तो आधे आधे होते गए, इधर से देखेंगे तो डबल डबल होते गए, ठीक है। अब आप बात कर ले लो पूर्व जो और पश्चिम में देखे क्या है, वो द्वीप समुद्र नहीं है, मुझे तो इसी से वो पहला जो जम्मू द्वीप है, अब प्रथम जम्मू द्वीप जो है तो खाली किया है ना, हाँ खाली क्यों बोला, क्योंकि पूरी खाली से भरी हुई होगी, वो है इसके बाद वाले सारे कैसे चूड़ी के आकार में, इसके अंदर फिर ऐसे ऐसे चलेगा, तो वो चूड़ी के आकार के होगा पहला वाला खाली, तो यहाँ पर अपना पहला सूर्य जो बता रहे हैं, अभी आप पूछ रहे पूर्व पश्चिम कैसे हुए, सबसे नीचे वाला हिस्सा हो गया भरत क्षेत्र, उसके बाद हिमान, ठीक है, ऐसे करके डबल डबल होते होते है ना, कितने क्षेत्र हो गए, सात क्षेत्र हो गए और छह पर्वत हो गए, छह पर्वत को छह पुला होते हैं, ऐसे करके फिर यहां से ये जो क्षेत्र हुआ इसका क्या हुआ डबल ये हो गया ये क्षेत्र, तो डबल जो संरचना आएगी तो इसको क्रॉस होगी, हाँ तो वैसे जो क्षेत्र है ऐसे ऐसे बढ़े लंबे लंबे पूर्व से पश्चिम कोने से कोने तक, फिर यहां से यहां आगे आगे हुए, ठीक है। अब ये जो आए क्षेत्र कितने हो गए, सारे मिला के सात दून चौदह, सात क्षेत्र हो गए ना, तो यहां पर ये डबल जो था पूरा पूरा विदेह क्षेत्र, क्योंकि इसका डबल है, तो इसको बांटने की दृष्टि से कैसे बांटा है, बनाएंगे तो यहां से यहां डबल होगा, लेकिन क्षेत्रों में कैसे संरचना है कि इसको यहां से बांटा है आधा, अब इसमें भी ऐसे एग्जैक्ट आधा से बटा हुआ, ये संरचना प्राकृतिक है, कैसे हो गए ये तो प्राकृतिक है ना, लेकिन जब हम आधा आधा करते जाएंगे डबल डबल तो ऐसे करना है, एक कहते हैं ईश्वाकार पर्वत खड़ा है बीच में, उससे डबल आधे आधे हो गए, सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है क्या है यहाँ पर गंगा आया, उसके बाद ऐसे करके जो क्या है कजदल पर्वत, ठीक है, तो कजदल पर्वत ये ऐसे दांत जैसे संरचना है कि हाथी के दांत जैसी, तो इसलिए इसको बोला कजदल पर्वत, अब जहां ये कजदल पर्वत खत्म हुए यहां से यहां तक क्या है भद्रसागर, ये दोनों वन है और ये दोनों पर्वत है, अब ये जो संरचना होती है ना, तो ये वाला हो गया ईस्ट का पूर्व दे और पश्चिम का पश्चिम, ठीक है, यहाँ पे एक जगह जम्मू वृक्ष है, एक जगह सावधानी वृक्ष है, ठीक है, ये वाला जब हम डबल डबल करेंगे तो यहाँ से डबल हो जाएगा, फिर यहाँ से आधा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब हम बांटेंगे तो ये पूर्व और पश्चिम, ईश्वाकार पर्वत की क्या बात है, ईश्वाकार पर्वत इसमें थोड़ी है, पहले ये समझ में आ गया ये तो आप अभी शोधार्थ में इसलिए प्रमाण जाएगा, हाँ जी,
का बेसिकली देव देखे हमने, है ना। स्वर्ग के देव अलग होते हैं और यहाँ पर भी देव रह रहे हैं तो वो देव अलग है। यहाँ पे कौन कौन से हैं? नक्षत्र का देखे थे ज्योतिष, यंत्र और वर्णास, ठीक है। तीन प्रकार के योग हुए, चौथा प्रकार है वैमानिक। कल हमने वन डिटेल में देखा था वैमानिक, इसलिए बोला कि विमानों में रहते हैं। अब विमान के से बोले हमने जो स्वर्ग में विमान है वो विमान कहने में आता है, लेकिन क्या है, फिक्स जमीन है ना, जमीन नहीं, वो वाले विमान भाग नहीं रहे। कई लोगों को लगता है कि स्वर्ग में जो नए प्रणाली की संरचना कही है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो विमान है स्वधर्म और ईशान के, ये झूल रहे हो, ये झूलते नहीं है, ये स्थिर है। अधर्म मतलब कई मात्रे हैं, मतलब कई वायु के आधार से, कई पवन के आधार, जल पवन के आधार से, कई आकाश के आधार से, लेकिन है स्थिर, है ना। विमान से कई बार लोगों को लगता है कि स्वधर्म ईशान का विमान है तो वो हमेशा ही घूमता रहता है। बाकी जितने भी देव हैं यंत्र भी बहुत घूमते हैं, लेकिन वो ठहरते भी हैं, कहीं बैठ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ज्योतिष वाले घूमते हैं, वो अपना विक्रिया से दूसरा रूप बनाकर दूसरी दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उनका जो मूल शरीर है वो परिक्रमा ही लगाएगा। अब यहाँ पर जो ये त्रसनाली है पूरी ऊपर से नीचे तक, तो इसमें जोड़े में दो 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 क्या है, 16 स्वर्ग। ये 16 स्वर्ग हो गए, 16 स्वर्ग के ऊपर आपने देखा बढ़िया वाले स्वर्ग। ये दोनों जैसे चौराकंजे की है बिल्कुल ऐसे स्क्वायर बनाया है। ऐसा नहीं खाली चंदा बनाया, पहले सूर्य बनाया है, फिर इसमें
वहाँ साफ साफ लिखा है कि समुद्रश है नीचे से ऊपर बिल्कुल एक समान पर ही। उसमें साधनाएं लिखी है कि बीच में भी इतना ही है, एक जैसे पटल को अपने अपने इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो पटल
फ्लोर वाइज सिस्टम है ना, जो ऊपर ऊपर के फ्लोर पे ज्यादा जाएगा वो ज्यादा बढ़िया होता है। जैसे जैसे महाराष्ट्र ने कल बताया कि है ना चीजें यहाँ पे अच्छी जाएंगी, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, जैसे विचार आपके अच्छे होते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे परिग्रह भी हटता जाएगा, काम जान भी हटता जाएगा, है ना, मानसिक शांति भी ऊपर ऊपर के लोगों को, जो जितना बड़ा आदमी है उसके विचार उतने उतने उत्तम है, वो सब दिखाऊंगा। हाइट कितनी होती जाएगी, आयु तो बढ़ती जाएगी है ना, परिग्रह कम होता जाएगा और हाइट भी कम होती जाएगी है ना। सामान जितना जितने जवाहरात है और जितना भी सौंदर्य का सामान है वो सब ऑटोमेटिकली उनका कम होता जाएगा, भूख भी कम होती जाएगी। ये हो गए नौ ग्रह, नौ अंतरिक्ष और पांच अवस्था। तो ये पटल क्यों लिखवाया है, तो कि जो ग्रह वेग है, अब ये सारे के सारे एक साथ हैं। ग्रह वेग में क्या है कि एक एक भंजन पे एक, तो नौ एक के ऊपर एक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रह वेग के नौ पटल, ठीक है, यानी कि नौ मंजिल हो गई। और ग्रह वेग की बात क्या है, अनुदेश, अनुदिश में क्या है कि एक ही मंजिल पे सारे लाइन, जैसे एक एक फ्लोर पे नौ फ्लैट बना दिए गए, ऐसे ही एक ही पटल पे, एक ही पटल पे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद जो पांच अनुस्तर है वो भी एक ही पटल पे, नौ पटल या नौ मंजिल और इसके बाद जो फाइनली आया अंतर, ये नौ ग्रह से नौ अंतरिक्ष और पांच पांच अंतर भी एक ही पटल पे, तुम बना के दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये एक मंजिल है, तो बीच में एक विमान आ गया, एक इस तरफ आ गया, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ऐसे पांच हो, नौ लाइन से हुए नौ, अच्छा चार ऐसे हुए और चार और बीच में, चार दिशाओं में और चार भी दिशाओं में बनाएंगे कि मोमो ना, एक बीच में आ गया, चार दिशाओं में आ गए और चार भी दिशाओं में, दिशाओं यानी कि ये चार ही वाले है ना, चार दिशाओं में आ गए, इसमें खाली चार, इसमें जो पांच है, इसमें जो सबसे बीच वाला विमान है वो नाम सबको जरूर बताऊंगा, उनके बाकी याद रखना हो सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि विमान है ना, जो ये वाले जो विमान है यहाँ से कंफर्म टिकट है कि एक भाव का अगले भाव में मुक्त हो जाता है ना। तो अगर और यहाँ पर हमने अभी देखेंगे कि यहाँ पर देवियाँ इत्यादि की जाती है, देवियाँ का जन्म कहाँ पर होता है, केवल पहले और दूसरे, पहला दूसरा क्यों आया, क्योंकि दोनों एक ही फ्लोर पे है, सौधर्म और ईशान, देवियों का जन्म सौधर्म ईशान में कहीं भी हो सकता है, लेकिन वहां जाएंगी कैसे, ऊपर अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे है ना, पूर्व जन्मों से। अब जैसे देवों की आयु मिनिमम हम देखेंगे कितनी है, मान लो एक सागर, ठीक है, देवों की आयु ऊपर वाले कैसे भवनवासियों में होता है, भवनवासी तो नीचे आ गए ना, हाँ तो मैक्सिमम कहां तक जाएंगी, भवनवासी तो मंत्री लोग ही आ गए नीचे, तो वहां तो रहेंगी, निरंतर निरंतर देवियां होती हैं है ना, भवनवासी में भी होंगी, वो हम कह रहे हैं कि ऊपर कहां तक जा सकती हैं, ऊपर जा सकती हैं, ये तो ऊपर आ गए ना सौधर्म और ईशान, वो तो नीचे है, वो तो बहुत नीचे है, हाँ रहेगी
तो अब अपने पूर्व भव से हर एक आत्मा का किसी ना किसी से कनेक्शन होता है, तो अब एक आधा नहीं है, करोड़ों करोड़ों। क्यों? क्योंकि तो एक साल अगर हमने पल्ले कितने देखे थे, 10 थोड़ा कोड़ी व्यवहार पल, है ना, 10 थोड़ा कोड़ी पल व्यवहार पल देखा था ना एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर पल्ले कितने होंगे ठीक है तो ऐसे से 10 करोड़ों देवियां निकल जाएंगी उनकी आयु है, 55 पल्ले की आयु है ना, हाँ मैक्सिमम। तो लेकिन है तो पल्ले में, करोड़ों पल्ले थोड़ी है, कमी तो है। तो आप देखोगे कि एक देवता के साथ कितनी देवियां एक एक करके जाती रहती हैं, एक बार में उनकी है ना करोड़ों देवियां होती। तो अब इसका मतलब उनको अवधि ज्ञान जो होता है थोड़े बहुत टाइम का नहीं है, उनको अपने बहुत सारे जन्मों का अवधि ज्ञान रहता है ना। अवधि ज्ञान से उनको पता चल जाता है कि मेरे उस जन्म में वो मेरी पत्नी थी, या वो मेरी है ना मनुष्य लोक में थे तो पत्नी थी, दूसरे में थे तो ना जो भी अलग अलग त्रियंश में भी है, वो राग द्वेष चलता रह रहा है और स्वर्गों में भी राग द्वेष खत्म नहीं हो रहा, वहां तक 16वें स्वर्ग तक। तो वहां पर भी वो क्या होगा, असंख्यात ही आप कह रहे हो करोड़ों हो गई, असंख्यात देवियां जैसी जन्म होगी तुरंत उसको लेकिन वहाँ यह सिस्टम नहीं, और के लिए इसीलिए स्वर्ग किसी के, स्वर्ग किसी के, हाँ, कि जो है सा यानी सुख, और वो भी स्वेच्छा से जाएगी, कभी देख उनको भी अवधि ज्ञान है, वो भी पहचान जाएगी कि हाँ ये मेरे लिए, वो भी स्वेच्छा से, सा यानी सुख सुख, और पा यानी बराबर, और ग यानी गिना जाता है। जहां सबका सुख बराबर गिना जाता है उसे स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि वहां पर जिसकी इंद्राणी है उसको इंद्राणी उसकी मिलेगी, जिसका मकान जिसका है उसका वो स्थान मिलेगा, ठीक है ना। वहां इसी इस प्रकार के जो वस्त्र आभूषण जिसको जो है वो मिलेंगे, उन सुखों में कोई कमी नहीं है, है महाराज क्या नहीं जो है वो डेट। अरे सुनो देखिए वहां पर जो है ये डेफिनेशन शास्त्र की नहीं, ये तो मैं अभी ये आप समझा रहे हैं, मैं निकला था। तो जो है सा यानी सुख, ब यानी बराबर, ग यानी गिना जाता है। यहां पर सबका सुख बराबर गिना जाता है, क्योंकि वहां पर जैसे पहले स्वर्ग का जो इंद्र है सबके सुख बराबर हैं, खाने पीने सांस लेने में, ठीक है ना, वस्त्रों में, निवास स्थान में, उनमें स्त्रियों में कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है उसकी काली है अपनी गोरी है, क्या पंडित जी भैया जी, हाँ, इन सुखों में उनके वहां पर सबको समान बराबर सुखे हैं, किसी के सुखों में वो नहीं है। मिथ्या दृष्टि है चाहे सब में दृष्टि है, उनमें कोई वहां पर जो है कि ये दुख बाहरी ये दुख नहीं है, उनको जो दुख होता है वो बस जो है मानसिक दुख हो जाता है, ठीक है ना, वो बेमतलब का है, कोई मतलब नहीं। वो क्यों हो जाता है बताएं, वो क्यों हो जाता है
क्योंकि यदि ये दुख नहीं हो तो फिर सम्यक और मिथ्या का पता ही नहीं है। देखिए तीर्थंकर के जो कल्याणक हैं उनमें ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि भी जाता है मिथ्या दृष्टि भी जाता है, ठीक है ना। जो भगवान के सम्मोषण में सम्यक दृष्टि जीत जाता है और मिथ्या दृष्टि भी जाता है। तो जो है एक मिथ्या दृष्टि के दो भेद हैं, एक निश्चय मिथ्या दृष्टि, एक सम जो है एक मिथ्या जो निश्चय मिथ्या दृष्टि, एक व्यवहार मिथ्या दृष्टि। एक सम्यक दृष्टि जो है व्यवहार सम्यक दृष्टि और मिथ्या सम्यक व्यवहार और निश्चय दो है। जो है अभक्त तो अभी है, अभक्त को तो सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, ठीक है ना। कि जो है एक तो मिथ्यात जो है वहां जो मिथ्यात होता है स्वर्ग में देवों में कौन सा मिथ्यात होता है, एक तो ग्रीत मिथ्यात होता है एक अग्रीत मिथ्यात होता है। क्यों वहां ग्रीत मिथ्यात क्यों नहीं वो तो अग्रित हो गया ग्रीत मिथ्यात। जो ग्रीक मिथ्यात है तो ग्रीक मिथ्यात जो है वही जो तत्व आदि है, क्योंकि मिथ्यात क्या है अश्रद्धान करना, ठीक है ना। फिर वही कुदेव एक बार बताइए, कुदेव करे कुदेव को पूजेगा तो ही वो मिथ्यात होगा क्या। हम लोग सब कुदेव कुदेव है कौन बताओ, एक आध कुदेवों के नाम बताओ कौन कुदेव है, है? कुदेव आखिर कहते क्या है, है? तो देव कौन है बताओ, ये बताओ पद्मावती कौन है, कुदेव है या देव है, है? हाँ हाँ है तो देव। फिर दो तरीके से देव वर्णन है, एक देव जो बोला है वो स्थान बोल रहा है। चलो मैं सुनिए सुनिए सुनो चलो मैं बता दूं। देखिए कि जो है वहां पर कहां स्वर्ग में जो है कि उनको कोई भी अग्रित मिथ्यात क्यों नहीं, वहां ग्रित मिथ्यात है, ठीक है ना। क्योंकि वहां वो किसी भी उसका जो उनके अंदर अश्रद्धान पड़ा हुआ है वो अनादिकाल से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए अनादिकाल के संस्कार होने से वो क्या है अग्रित मिथ्यात है, ग्रित मिथ्यात नहीं है। उनको उपशम सम्यक हुआ है छूट के फिर वो मिथ्यात नहीं है, तो वो क्या है वही है। लेकिन वहां पर किसी दूसरे के उपदेश के द्वारा वो सिद्धांतों से असिद्धांत जो तत्व है उनपे असिद्धांत नहीं करता, जो अनादिकाल के संस्कार हैं अपने उन उन्हीं से वो करता है। लेकिन दूसरे के वहां से कोई जो है कि गुरु के उपदेश या किसी के उपदेश आदि जो है उनसे उपदेश वैसे जो है कि गुरु के ही उपदेश कहे जाते हैं, उपदेश जो है पंडित जी के द्वारा दिए हुए उपदेश नहीं है क्या, पंडित जी पंडित जी के द्वारा दिए हुए वाचना तो हो सकती है
लेकिन उपदेश जो होते हैं वो आचार्य के द्वारा दिए हुए वही उपदेश होते हैं। है? नहीं, कि जो है भगवान की तीर्थंकर की दिव्यदुनी कृति है और उसका जो है व्याख्यान करतर ही करते हैं। वो गणतर आचार्य भगवान कहा है गणतर को, क्योंकि गण के मुख नायक है। वो सुनिए, वो वाचना चलेगी, ग्रंथों की वाचना की जाएगी, लेकिन उठते आचार्य घोड़े चारे पंचाचार्य को पाले शिक्षा दीक्षा प्रदान भवजन के दुख टाले अनुग्रह निग्रह काल मुक्ति मार्ग चलते रिद्धि सिद्धि सब पाए जो आचार्य भयते। शिक्षा दीक्षा उपदेश आदि देने का, क्यों मुनि को भी नहीं, गुरु का ही उपदेश जो है आचार्य भगवान का उपदेश, क्योंकि मुनि का कार्य है कि जो मौन रहे सो मुनि, जो साधन कर रहा है वो साधक, जो अपनी साधना में लीन है वो साधक है, जो मोक्ष मार्ग के लिए यत्न कर रहा है वो यति है, जिनने रीतियों को प्राप्त कर लिया है वो ऋषि है, ठीक है ना। अभी जो है इस समय कौन है, ना मुनि है ना यति है ना ऋषि है, इस समय तो अनगार है। आ यानी नहीं गार, जिसका कोई गार यानी घर से जो रहते हैं वो अनगार कहलाते हैं, ठीक है ना। कि अभी तो मात्र हमारा जो है क्या है, अभी साधु का क्या छूटा है, घर छूटा है, ठीक है ना। अभी घर छूटा है, अभी जो है वो क्या, वो नहीं छूटा, क्या वो नहीं छूटा। लेकिन फिर भी मुनि क्यों, क्योंकि जो मात्रा में मोह होना चाहिए वो मात्रा में मोह नहीं है, ठीक है ना। बाहर में तो छूट ही गया है, ठीक है ना, बाहर में इतना तो छूट गया है कि तात्कालिक में कोई नहीं, जैसे कहीं कोई आ गया, आप आ गए, आपसे पूछा कि हाँ भाई ठीक है, वो थोड़ा सा है ना, तो जो है कहीं कोई आ गया पुरानी बात छेड़ दी तो वही हाँ याद आ गई। अभी जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले सुजानगढ़ वाले आए थे, सुजानगढ़ 2006 में ब्रह्मचारी अवस्था में चतुर्मास किया था, तो वो आते ही क्या नाम है कि नमन भैया, तो उन्होंने पुरानी बात हाँ कि पहचान, हमने कि हाँ पहचान लिया, तो जो है बस एक जो है इसने आदि जो है और श्रावक से मोह आदि नहीं है, क्योंकि मोह की परिभाषा जो है वो मोहिनी कर्म के भी बहुत भेद हैं, ठीक है ना। मोह कहिए, मोह किसको होता है, इसने किसे होता है, वात्सल्य किसे होता है, प्रेम किसे होता है, ये सब डेफिनेशन अलग हैं, ठीक है ना। कि जो है एक ही चीज नहीं है कि कोई किसी से क्या नाम है, गुरु और शिष्य का मोह नहीं है, वो गुरु और शिष्य का मोह नहीं है, बेटी और पिता का मोह नहीं है, माँ और बेटे का मोह है, माँ और बेटे का मोह है, पर पिता का और बेटी के साथ मोह नहीं है, वो इसलिए है, ठीक है ना। पति पत्नी का प्रेम है, ठीक है ना, तो डेफिनेशन। इसीलिए साधु का जो है मोह नहीं है किसी से, ठीक है ना, वात्सल्य भाव है, और वो वात्सल्य भाव जो है वो प्राणी मात्र से, ना तो प्रेम है किसी से, ना किसी से प्यार है, ना किसी से स्नेह है, एक वात्सल्य भाव है, उस वात्सल्य भाव में प्राणी मात्र, इसीलिए सबके साथ रखते हैं, ठीक है ना। देखिए चाहे आप आ जाइए और चाहे महाराज के मम्मी पापा भी आ जाए, ठीक है। अब मम्मी पापा आ गए, उनको पूजा आदि, लेकिन उनसे कोई मोह नहीं है, कोई राग नहीं है,
वो इसलिए नहीं है, एक बात सर क्यों, और उनका उपकार है कि धन्य है कि जिन्होंने मुझे क्या नाम है ऐसे संस्कार आदि दिए, मुझे अपनी आत्मा प्यारी है लेकिन आत्मा को आकार देने वाले ये दो प्राणी हैं कि जिन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं इस मार्ग पर आ गया। तो इस कारण से ये नहीं कि मम्मी पापा आ गए तो मम्मी पापा को पूछ रहे हैं कि यार आप आ गए आपको पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ये जो है न तो महाराज को कोई राग होता है उनसे न कोई मोह है, ठीक है। तो स्वर्ग में जो है कि वहां पर ग्रीत मिथ्या किसी के होते उनका जो भी है अनाथ, क्योंकि अग्रीत मिथ्या है वो भगवान चाहे सम्यक दृष्टि है चाहे मध्य दृष्टि है, वो जिनेंद्र भगवान की ही आराधना करते हैं और किसी की आराधना नहीं करते हैं। चाहे वो जो सम्यक दृष्टि है तो वो उनकी आराधना करता है तो कहता है ये मेरे तारण तरण है, और जो मिथ्या दृष्टि करता है वो कहता है क्या, वो कहता है ये मेरे कुल देवता है, कुल देवता मान, कुल देवता, लेकिन कुलाचार का पालन कर रहा है। जिस कुल में देखिए वो देव जितने भी देव हैं कुलाचार का तो पालन कर रहे हैं, और हम जो यहाँ पर जैन कुल में जन्म लेकर कुलाचार का पालन नहीं हो रहा है, हमारे जो बच्चे जो हैं वो अभी कुलाचार का ही पालन नहीं कर रहे हैं, कम से कम मंदिर तो आए कुलाचार का, जिस कुल में जन्म लिया है कुलाचार तो पालन होना चाहिए। ज्योतिषी देवों की आयु एक पल्ले का आठवां भाग, ठीक है, जगत कम से कम छोटा हो जाएगा, मैक्सिमम कितनी जाएगी एक पल्ले से कुछ अधिक, सवन मात्र की कितनी रहेगी और ये कितनी है एक सागर से कुछ अधिक, धीरे धीरे कैटेगरी क्या हो रही है बढ़ रही है, उसके बाद इसमें यही रहेगी। और स्वर्गवासी है, स्वर्गवासी बोलते हैं ना, जैसे किसी की जाएगा बोलते स्वर्गवासी, तो ये वाले देव नहीं बोलते उनको, बोलते सीधे बढ़िया वाली जगह है ना, स्वर्गवासी हो गए स्वधर्म ईशान से अंतिम ग्रहालय तक, अपन जैसे लोग तो मान के चलते हैं अगर समय दर्शन थे तो वो यहाँ पर गए होंगे हिंदुस्तान में, चाहे वो कैसे भी मरे लेकिन लिखेगा स्वर्गवासी है, बाकी जगह लेट लिख देते हैं। अच्छा एक बात लेट बनी है, देखो मैं तो गया पल्ले का आठवां भाग, देखो मैं तो गया नहीं हूँ बाहर विदेशों में, लेकिन वहां पर जो मरते हैं क्या उनको स्वर्गवासी लिखते हैं क्या, लेट लिखते हैं लेट, लेकिन स्वर्गवासी नहीं लिखते, ठीक है ना, और स्वर्गवासी जो है यही लिखा जाता है कि वो चाहे वो मरे चाहे कैसे मरे लेकिन हो गया स्वर्गवासी, यानी जो है वो चीजें भोपट में मिल जाती विरासत में मिलती है। और मैक्सिमम आयु कितनी रहेगी स्वर्गों में 33 साल, वो भी चार शरीर का अलग से बना लेंगे कि कैसे कैसे पहले स्वर्ग से लेके वहां तक, है ना। अंतिम जो 16वां स्वर्ग है उसका क्या नाम था, आरण्यक, है ना, 15 और 16, तो उसका एग्जांपल आता है पद्म पुराण में, अच्युत स्वर्ग की जो प्रतीत है वो कौन है इस समय, पढ़ा होगा आप सबने सीता का, है ना, अब वहां प्रतीत इंद्र हो गया तो वो ही क्या हो गई, जेंडर चेंज हो गया, पहले फीमेल थी लेकिन आर्य का बन गई, तब से क्या हुआ कि वो वहां जाके इंद्र, इंद्र होता है एक पति इंद्र होता है ओग्री कौन, तो अब वहां पर मेल पर्याय में है, और आगे आने वाले समय में रावण की गर्दन, रावण जब तीर्थंकर बनेगा तो उसकी गर्दन बनेगी और अगले रूप में मोक्ष जाएगा सीता का, ठीक है। तो वो सबसे ऊपर वाले स्वर्ग में है 16वें स्वर्ग, ठीक है। अब आर्य का माता जी उससे ऊपर भी जाती है ना, आर्य का माता जी जो है 16 तक जा सकती है, पर्याय चेंज हो सकती है, उससे ऊपर जाना है तो दिगंबर मुनि ही जा सकते हैं, दिगंबर मुनि वहां, दिगंबर मुनि ही होंगे वहां तो देव बन जाएंगे,
क्योंकि कपड़े वाले नफड़े कहीं नहीं करते। तो 1600 तक उनका स्त्री पर्याय है, लेकिन स्त्री पर्याय में 1600 तक अगर वो देवी बनती तब भी जा सकती थी, है ना। अगर उन भक्त को कोई देव ले जाता, अगर देव बन गई तो वो डायरेक्टली जा सकती है वहीं पर। लेकिन पहले हमको ये बताओ कि पहले स्वर्ग में जो सच्ची इंद्राणी बनती है वो क्या ऐसा कार्य करती है जिससे वो सच्ची इंद्राणी बनती है? उसने पूर्व भोग में सोदर में इंद्र का तो पता चलता है कि उसने कहीं मुनि बन गया है, मुनि बन के सोदर में इंद्र बन गया क्या भैया जी? सोदर में इंद्र जो बना है, जो ब्रह्म एक भवतारी है, सोदर में इंद्र एक भवतारी है, तो यहाँ मुनि बन के वहां सोदर में इंद्र बन गए, फिर आपके क्या नाम है जो है? ये तो बात ठीक है, जमती है। लेकिन जो है सच्ची इंद्राणी जो बनती है वो यहाँ ऐसा क्या करती है जिससे वो सच्ची इंद्राणी बन जाती है? आहार आदि देती है तो वो घूम ही जाती है, वहाँ उससे बच्चे में सब नारा सहना मिलता है, तालब तो बात मिलते हैं, सुनने का कॉम्पिटिशन है सब। और आरिका माता की बनती है तो स्त्री पर्याय का छेदन करके देव पर्याय में जाती है, क्योंकि सच्ची इंद्राणी जो बनती है वो सम्यक्त के साथ नहीं है, मिथ्यात के साथ जन्म लेती है। हाँ देखिए, यदि आरिका माता जी है मिथ्यात भी है तो उसने जो है संयम धारण किया है, क्या भैया जी? संयम धारण किया है तो भी जाकर जो है क्या स्वर्ग में क्या देवी बन जाए या देव बन जाए? संयम धारण किया है तो जो है आरिका माता जी स्त्री पर्याय का छेद कर देगी। देखिए, जो पंच अग्नि तप आदि करते हैं वो भी बारहवें स्वर्ग तक जाकर जो है देव आदि पर्याय में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची इंद्राणी बनती है वो एक भवतारी होती है, हैं? लेकिन ऐसा क्या कार्य करती है जिसके कारण जो है, क्योंकि आरिका माता जी बनती तो स्त्री पर्याय को छेद करके वो देव बनती है, क्यों भैया जी बताओ? कुछ ले जाता होगा ऐसी, जैसे कि शंकर की माता का उदाहरण दिया है कि नहीं तो स्त्री पर्याय में, लेकिन इतना पुण्य तेज था नहीं तो पुण्य ऐसा क्या है? इंद्राणी का एक भक्ता जी हो, ऐसा क्या जो है कि जिसके कारण सच्ची इंद्राणी बनती है? ढूंढ के लाओ। यह है ना कि अगर वो भी करना है तो ऐसे ऐसे से करो, वो का सिस्टम नहीं है ये। तो देखो कोई चीज है, हम लोग पढ़ते बहुत है, मैं बताऊं आप लोग जो है ना मुझसे ज्यादा पढ़ा है आप लोगों ने, और आपको ज्ञान भी मुझसे ज्यादा है, लेकिन उस ज्ञान के साथ जो है एक चीज, कोई भी चीज है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने का प्रयास करो, है ना। यदि प्रैक्टिकल आदि किया जाएगा तो वही चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी? सरलता हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिकल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, प्रैक्टिकल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर कि उस चीज को जो है सरल कर लीजिए, है ना। अब देखो कि सच्ची इंद्राणी जो बनती है उसने आहार दान देती तो भू भूमि में जाती, ठीक है ना, और आहार दान देती, श्रीमती के जीव ने आहार दिया तो वो जाकर स्वर्ग में देव। या सुनिए, देखिए आहार दान यदि दिया है तो स्वर्ग जाएगी तो देव जाके बन जाएगी, और वो भूमि में जाएगी तो वहां वो भूमि का जीव बन जाएगा, यानी आलो बन जाएगी, आर्या बन जाएगी,
है ना। लेकिन तो इसका मतलब है कि सचिन रानी आहार दान से नहीं बनी है, क्योंकि यदि यहां आहार दान देके जाती है तो वहां भी कुछ आहार का अवसर ऐसा कुछ आहार की क्रिया करने का वो मिल जाता, वो भी नहीं। देखिए ये जो प्रभाव है वो किसका है, एक चिंतन बता रहा हूं, क्या समझे, मैंने जो मेरा रिसर्च निकला है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक जो रिसर्च की है इसमें इंद्राणी पे, कि जो सच्ची इंद्राणी जो होती है वो यहां मात्र जिनेंद्र भगवान की पूजन की है, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, सिर्फ यहां पर उसने जिनेंद्र भगवान की पूजन की है, विधान अनुष्ठान आदि किए हैं और कभी कोई धर्म कार्य में उसने बाधा नहीं की। कोई दूसरा कर रहा है तो उसके लिए उसने बाधा नहीं की। आजकल हम लोग क्या है कि दूसरा कोई कुछ कर रहा होता है तो उसमें टांग जरूर लगा अपनी एक्स्ट्रा। उसने जो है धर्म अनुष्ठान, कोई पूजा कर रहा है, कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, वहां टोका बोली तो हम लोग बिना टोके रहते हैं। तो जो है उस विधान के भगवान की पूजा के प्रभाव से वो जाकर वहां क्या बनती है, सच्ची इंद्राणी बन जाती है। और वहां जाकर वो है क्या करती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है। वहां जाकर अंतर मुहूर्त में क्या करती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करती है, जाती है वहां जाकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करती है। कब करती है तो सम्यक दर्शन को है? नहीं नहीं वहां जाते एक बार देखिए स्थिति जन्म होगा। क्यों भाई, बालक को देखने से सम्यक दर्शन होगा क्या? यही तो देखो सब यही अंतर मुहूर्त का होता है 48 नहीं, चलो अंतर मुहूर्त में नहीं किया, बाद में भी करें, बाद में भी करें, लेकिन ये बताओ कि वो सम्यक दर्शन को तीर्थंकर जो बालक जो है, बालक को देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है क्या? नहीं है। लोग सब यही बोलते हैं कि तीन बालक को देखने से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, कहते कि नहीं कहते? सबको यही धारणा, विद्वान लोग भी हमारे जो है ना यही बोलते हैं कि जो है उसने बालक को दर्शन किए और जो है क्या सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। बताइए क्या तीर्थंकर बालक के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? ये बताइए सम्यक दर्शन के कारण, बताइए कारण कौन कौन से हैं? स्वर्ग, स्वर्ग के बताना क्योंकि सब जगह के अलग अलग है, जाति स्मरण है, देव दर्शन में आ गए, कृत्रिम चैत्यालय का कृत्रिम लाओ सब आ गए, हाँ है इंद्र पूर्व जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण है, देवों की नित्या और बताओ है देव दर्शन में आएगा, कि सब सारा जो है ना देव दर्शन में आएगा। अब बताओ इसमें कहां लिखा है कि जो है
सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जो है कहाँ हो जाती है, उससे बालक के दर्शन करने से क्या हुई, क्या है क्या जिन महिमा दर्शन कहिए, दर्शन कैसी बात है, जिन महिमा दर्शन ना आदि हो एक ही बात है। चलो कल ढूंढ के लाना। तत्वा सूत्र में सुनो, तत्वा सूत्र में उसके कारण लिखे हैं सम्यक दर्शन के, कल बताना फिर हम बताएंगे, है ना। तो जो है कल आपको फिर इसका पूरा बता देंगे कि जो है ना कि सम्यक दर्शन जो है और वो कैसे क्या नाम है सम्यक दर्शन को प्राप्त करती है और एक भवतारी होती है। एक तो ये ढूंढ के लाना एक भवतारी वो कैसे होती है, और दूसरा सम्मो शरण में जो कोठा जो होते हैं 12 सभाएं होती हैं, तो पहली सभा जो है मुनिराज की है और दूसरी सभा जो है सची इंद्राणी यानी कल्पवासी देवियों की है, और उसके बाद तीसरी जो है आरिका होती है। बताइए कि आरिका बड़ी होती है कि देवी बड़ी होती है, फिर दूसरा कोठा क्यों नहीं है, तीसरा कोठा है, हैं? पता करके आओ। क्या है पंडित जी बताइए, ढूंढ के लाओ। अमित सागर जी महाराज कहते थे प्रथम कोठा दिगंबर मुनि, द्वितीय कोठा कल्पवासिनी देवियां, तृतीय कोठा आदिकाय। तो क्यों है तीसरा कोठा, कोठा तो है देवियां, फिर निरंतर देवियां, सर्वमार्ग देवियां। जो कहते थे पहले आप, वो कहते थे पहले आप क्यों है, इसलिए है क्योंकि अब वहां तेरा बनती है नहीं, जो लॉजिक बैठा है वो ये बैठा है कि अगले भव से उन्हें मोक्ष जाना है और आर्यों को तो अगले भव से मोक्ष नहीं है, आर्य का पहले देव बनेगी आके फिर मनुष्य बनेगी, और फिर भी कोई जरूरी नहीं है सभी के लिए, लेकिन कल्पवासिनी देवियां जो है उनका सचिन रानी का जरूरी है। तो बताइए कि क्या नाम है जो है सोदर भी इंद्र भी तो एक भवतारी है, बताइए सोदर भी इंद्र भी तो एक भवतारी है, उसका कोटा होना चाहिए, इसलिए उसका 10वें नंबर पे आया 7वें नंबर पे, क्योंकि उसको भी समय बहुत है, एक सागर की आई हुए इनकी पल्लियों में आई हुई जल्दी चली जाएंगी, जो जल्दी जाए उसको आगे बढ़ाओ भाई, कर बढ़ो पहले आगे देखो, चलो थोड़ा थोड़ी पल्ले बहुत अच्छा क्या नाम है वो है, ऐसी कोई चीज को सोचा अभी तक ये भी नहीं सोचा तो इन्हें बोली, कभी किसी चीज का चिंतन आदि नहीं करोगे तो नहीं। अमित सागर जी महाराज कहते थे कि जो है उनका तीसरा कोटा इसीलिए है कि पहले में तो मुनिराज बैठे हैं, ठीक है ना, पति पत्नी से जोड़े जो ले ली, अब वहाँ सम्मोहन में उनका एक दूसरे कोठे में बैठा दिया, तो वो कहीं देखो वो हमारे पति देव बैठे हैं, महाराज कहते थे कि जो है कि इसलिए उनका एक गैप कर दिया कि तीसरा गैप जो है ना कि वो ये नहीं कहेंगे वो देखो हमारे पति बैठे हैं, है ना, लेकिन सम्मोहन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो है एक दूसरे कोठे में कौन है वो मतलब ही नहीं है, वहां तो सिर्फ एक भगवान ही है ना, कि भगवान को जो है ऐसे देखते हैं आंख की पलक भी नहीं झपकती। अब रही बात कि जो है पहले जो मुनिराज बैठे हुए हैं तो मुनिराज तद्भव मोक्षगामी है, चर्म शरीरी है, सभी नहीं लेकिन जो है उसमें जो बैठे हैं वो तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें केवल ज्ञानी भी है, अवध ज्ञानी भी है, मन पर्याय भी है, गणदत्त तो नियम से मोक्ष जाने हैं, केवल जिनका ज्ञान हो गया है वो नियम से मोक्ष जाने हैं,
और कई जो है अवध ज्ञान जाए या नहीं जाए यह कोई जरूरी नहीं, अगले भोग में जाए। लेकिन जो है और विपुल मती आदि जो है बहुत प्रकार की उसमें मुनि बैठी। दूसरा कोठा जो है वो जिसमें सची इंद्राणी है, तो सची इंद्राणी एक भवतारी है, इसीलिए जो है वो उसका दूसरा कोठा है। तो एक भवतारी सौधर्म इंद्र है, सौधर्म इंद्र की आयु जो है वो सागर की है और सची इंद्राणी की आयु जो है वो पल्लकी, उससे पहले वो मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। तीसरा कोटा जो आरिका का है, आरिका पूज्य है, जब संभो शरण से आदि जो है बाहर निकलेगी तो क्या होगा कि उनको जो है सची इंद्राणी उन्हें नमस्कार करेगी, आरिका माता जी को, उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि संयम पूज्य है, क्योंकि अल्प अक्षर भी पूज्य है। आरिका माता जी के साथ में जो है क्या है, संयम तीन अक्षर है और जो सची इंद्राणी है उसके साथ में दो चार अक्षर है, असंयम संयम से, और हमेशा संयम पूज्य होता है, असंयम पूज नहीं है। लेकिन यहां पर जो है तीसरा कोटा होना है, इसीलिए क्योंकि जो आरिका माता जी है वो अभी स्त्री पर्याय का छेदन करेंगी और सची इंद्राणी तो वहां से आके देव बन गए और मोक्ष को गई। अरे एक भवतारी वहां से मनुष्य में ही तो आएगी और क्या करेगी, मनुष्य में सची, सुनिए, सची इंद्राणी मनुष्य पर्याय में आएगी ये निश्चित है, लेकिन आरिका माता जी उसमें नहीं आएगी मनुष्य में, क्योंकि यदि संभोग चरण में गई है, सम्यक्त को प्राप्त कर ली कर लिया है, तो मनुष्य से मनुष्य में सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। यदि उसने मनुष्य पर्याय का आयु का बंध कर लिया है, मनुष्य आयु का बंध है, तो वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा लेकिन कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि औदारिक से औदारिक शरीर सम्यक दृष्टि जीव नहीं आता, वैकृत से वैकृत तो न मिथ्या दृष्टि आता है न सम्यक दृष्टि आता है, लेकिन औदारिक से औदारिक मिथ्या दृष्टि तो हो जाएगा लेकिन सम्यक दृष्टि जीव औदारिक से औदारिक नहीं होता है, वैकृत में जाएगा। तो जो है कि जो आरिका माता जी है अब वो आज जो है कहां जाएगी, देवगति हो जाएगी, फिर देव से जो है, और ये भी कोई निश्चित नहीं है कि वो इतने भाव में वो चली जाएंगी, लेकिन सची इंद्राणी निश्चित हो गई है, फिक्स है, ठीक है ना। देखिए ये किसे कहते हैं निश्चित, ये निश्चित है, लेकिन हर चीज निश्चित नहीं है, इसीलिए भगवान जो है क्या जानते हैं, कहते हैं भगवान सब जानते हैं। भगवान क्या, भगवान आपकी सारी पर्याय को जानते हैं क्या है, भगवान अनंत पर्याय को जानते हैं क्या।